टाइटैनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी की कोई कमी नहीं है, और हो भी क्यों ना। टाइटैनिक जहाज और वो दुखद घटना एक रहस्य का भंडार है। मेरे चैनल्स के व्यूअर्स जानते ही होंगे कि टाइटैनिक मेरा भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने भी इसको लेकर काफ़ी रिसर्च किया है और उसके बारे में काफ़ी वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टाइटैनिक का वो घटना हुए 100 साल के ऊपर हो चुका है, और इन 100 सालों में कई चीज़ों को लेकर बहस भी हो चुका है, जिसमें से एक सब्जेक्ट है, क्या टाइटैनिक सच में डूबा था। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी बहस है। हम में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि व्हाइट स्टार लाइन, मतलब जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उसी कंपनी के पास एक और जहाज़ था, ओलंपिक, जो टाइटैनिक का ही हमशक्ल था। मतलब दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम था टाइटैनिक जैसा ही, लेकिन लंबाई में 3 इंच छोटा था टाइटैनिक से, और वेट में 1000 टन कम था। यानी कि टाइटैनिक आने से पहले ओलंपिक ही था दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक लॉन्च करने से पहले 20 अक्टूबर 1910 में लॉन्च किया था ओलंपिक को। टाइटैनिक जैसा ही ओलंपिक में भी 3 क्लासेस था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और इसके अलावा डाइनिंग रूम, स्मोकिंग रूम, लाइब्रेरी, सीढ़ियाँ, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। 14 जून 1911 में ओलंपिक ने पहली बार साउदम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचा था 5 दिन 16 घंटे में, जो बहुत ही बड़ी बात थी उस वक्त। पहली यात्रा बहुत ही शानदार होने के बावजूद उसके 3 महीने बाद ही पहली बार एक्सीडेंट हुआ था ओलंपिक का। एक ब्रिटिश क्रूजर जहाज के साथ ओलंपिक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से उस क्रूजर जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, और ओलंपिक को भी काफी नुकसान सहना पड़ा था। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब तक टाइटैनिक रेडी भी नहीं हुआ था, तब भी काम चल रहा था उसके ऊपर। यहाँ तक कहानी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कहानी में रहस्य या फिर मतभेद शुरू होता है अब। लेखक रॉबिन गार्डिनर की किताब टाइटैनिक द शिप नेवर सैंक, इसमें लिखते हैं कि टाइटैनिक जहाज पानी में नहीं डूबा था, बल्कि टाइटैनिक की हमशक्ल जहाज ओलंपिक डूबा था पानी में। जैसे कि मैं बता रहा था कि ओलंपिक जहाज के साथ ब्रिटिश क्रूजर जहाज का टक्कर हुआ था, जिसमें दोनों ही जहाज का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। खासकर ब्रिटिश क्रूजर जहाज का ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसके वजह से ब्रिटिश रॉयल नेवी ने व्हाइट स्टार लाइन के ऊपर बहुत ही बड़ी अमाउंट का जुर्माना लगा दिया था, और उस जुर्माने को चुकाने के लिए व्हाइट स्टार लाइन पहुंचा बीमा कंपनी के पास। लेकिन बीमा कंपनी भी ओलंपिक में हुए नुकसान का भरपाई के लिए क्लेम पास नहीं कर रहा था, इसलिए व्हाइट स्टार लाइन ने ओलंपिक जहाज को नई जहाज टाइटैनिक की तरह ही सजा के पानी में उतारा, और उसको पानी में डुबोने का षड्यंत्र रचा। उनका प्लान था कि उनके इतनी बड़ी जहाज अगर पानी में डूब जाएगा तो उनके ऊपर लगाया हुआ जुर्माना भी माफ कर दिया जाएगा, और ताकि जहाज पानी में डूबने के बाद सारे यात्रियाँ सही सलामत बच जाए, इसलिए SS कैलिफोर्नियन नाम के जहाज को भी पीछे भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्य से सब कुछ प्लान मुताबिक नहीं हो पाया और काफ़ी लोगों की जान चली गई। कई सूत्रों के मुताबिक SS कैलिफोर्नियन जहाज एक कोयला ले जाने वाले जहाज था, और जिस वक्त टाइटैनिक जहाज का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त कोयला व्यापारियों का स्ट्राइक चल रहा था, इसलिए SS कैलिफोर्नियन जहाज भी ब्रिटिश बंदर में रुका हुआ था। तो आखिर क्यों एक कोयला ले जाने वाली जहाज बिना कोयले के ही बंदर छोड़ के अमेरिका के लिए निकला था। और तो और जाना जाता है कि खुद कैलिफोर्नियन जहाज में भी ईंधन के लिए इतना कोयला नहीं था कि वो जहाज अमेरिका तक पहुंच सके, क्योंकि उसे अमेरिका पहुंचना ही नहीं था, उसे तो यात्रियों को बचा के फिर से वापस लौटना था। जाना जाता है कि वो तैरते हुए बर्फ की चट्टान इतनी बड़ी थी कि 2 माइल दूर से भी उसे देखा जा सकता था। और तो और टाइटैनिक से पहले जिन जहाज़ों ने उस रास्ते से सफ़र किया था, उन्होंने टाइटैनिक को उस चट्टान के बारे में सतर्क भी किया था। तो आखिर क्यों टाइटैनिक फिर भी जाके उस चट्टान से टकराया? ऐसे कई सवाल उठाते हैं वो लोग जो लोग टाइटैनिक जहाज की इस घटना को महज एक दुर्घटना नहीं मानते हैं, बल्कि प्लान किया हुआ एक षड्यंत्र मानते हैं। लेकिन जैसा कि हर डिबेट में होता है, इसके खिलाफ भी काफ़ी मत सामने आते हैं। फेमस वेबसाइट टाइटैनिक, जो रॉबिन गार्डिनर के ओपिनियन को सीधी तौर से खारिज करता है। टाइटैनिक का वो हादसा हुए, इतनी साल बीत चुका है कि इस वक्त कुछ भी श्योर होकर नहीं कहा जा सकता है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।